किसी कोने में रहें, इनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे लिए होता है। तो अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ और दिल से थैंक यू। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग कितनी मोहब्बत खेसारी लाल यादव से करते हैं। आज 3 साल बाद इतनी बड़ी इनिशियल आप लोगों ने दी हमारे सही आरब के लिए, तो दिल से धन्यवाद निशांत उज्ज्वल, अभय भियान और हमारे प्रिमांशु सिंह जी, काजल रघवानी जी, जितने भी एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक जितने भी लोगों ने काम किया, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और सबसे ज़्यादा प्यार आप सबने दिया कि हम तो सिर्फ काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आप सबने बताया मुझे और पूरे इंडस्ट्री को बता दिया कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा है। अगर हम अच्छी सिनेमा बनाएं तो शायद आप सब उतना ही प्यार मोहब्बत देते हैं जो पहले देते थे। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया, लव यू। मैं आज कितना खुश हूँ शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये लगातार करिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी मरे ना, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखने का काम आप सबका ही है। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छी सिनेमा बनाने की और आप लोगों के हाथ में रिजल्ट होता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पेपर चेक करना आप सबके जिम्मे है और आप ही सब रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, जब भी मेरी सिनेमा रिलीज होती है, जब भी मेरे गाने रिलीज होते हैं, तो आपका स्नेह और प्यार इतना भर भर के मिलता है कि इसीलिए मैं आप सबका गुलाम हो गया हूँ और आजीवन गुलाम रहूँगा आपको भगवान की स्वरूप। इसीलिए मानता हूँ कि हमारा हर वो फूल आप स्वीकार करते हैं और वो श्रद्धा से होता है आप सबके लिए, और आपका भी प्यार मेरे लिए श्रद्धा से होता है और दिल से होता है। तो हर आदमी को दिल से थैंक यू निशांत उज्ज्वल जी ने, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो सिनेमा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो और हमारे लिट्टी चोखा का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रवीण भैया जो को भी पटना से हैं, तो सारे लोग और लिट्टी चोखा भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। फिर से हमारी और काजल जी की जोड़ी एक अलग लेवल पर लेके जाएगी आप सबको, और कोशिश हमारी रहती है हम पूरे टीम को कि हम अच्छा सिनेमा का हिस्सा बने और आप सबका मनोरंजन आजीवन कराते रहें। तो और कल ट्रेलर मेरी रिलीज हो रही है आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे। तो इतना मोहब्बत दे दो पगले, इतनी मोहब्बत दे दो कि एक दिन में कम से कम 10 मिलियन तो जाना ही चाहिए। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे कि आप जब भी खेसारी की कुछ भी आती है तो आप अपने बेटे की तरह गोद में उठा लेते हैं उस चीज़ को और आपका अपना हो जाता है, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, सैयारा हो, चाहे आसकी हो, चाहे मेरे कोई भी सिनेमा हो। जब भी मेरी रिलीज सिनेमा होती है तो आप लोग उसको गोद में खिलाने लगते हैं कि आप सबका स्नेह और प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे इतने बड़ा बना के रखी है। और आजीवन मैं कोशिश करूंगा कि हर आदमी के दिल में रहने का काम करूँ, हर अच्छा काम करूँ जो आपके खुशी के लिए हो और आपके लाभदायक के लिए हो, हमारे भोजपुरी समाज के लाभदायक के लिए हो। तो सैयारा के लिए रुकना नहीं, रुकने का नहीं, डेली जाने का और डेली ऐसा ही इनिशियल देने का ताकि लोगों को लगे जाए मैं अच्छी सिनेमा बनाना चाहिए। हर आदमी अच्छा सिनेमा बनाता है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हर आदमी को अच्छा सिनेमा अगर हम आप सबको देंगे तो शायद आप सभी भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखेंगे। तो बस यही दुआ करने आया था कि आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने भाई पे हमेशा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। रोहित
लो पीछे ऐसे कर दो। अब आप लोग सवाल पूछिए। लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। मैं बहुत गरीब घर का लड़का था, मैं दूध बेचकर अपने जीवन को चलाने वाला काम किया और लिट्टी चोखा मैं 2.5 साल ओखला शहर संजय कॉलोनी में मैं बेचा। और मेरे जीवन में सबसे अगर खूबसूरत कोई खाना है तो हमारी मिट्टी की लिट्टी चोखा ही है। और मेरे जीवन और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा का योगदान है, क्योंकि उसी को बेच के उसी के पैसे से मैंने कैसेट गाई और वो लगातार कैसेट चलता रहा और आज लोगों के दिल में एक खेसारी एक फूल की तरह खिल गया। तो लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। और लिट्टी चोखा जो हम लोगों ने सिनेमा भी की है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान से लेकर ये किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान जो आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे मुद्दे उसमें आपको मिलेंगे जहाँ कितना क्योंकि आज की जो भी सिनेमा बन रहे हैं सब कमर्शियल टाइप के बन रहे हैं, लेकिन मैं आज के डेट में जो भी सिनेमा कर रहा हूँ समाज को ले कर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिनेमा से कुछ समाज को सीखना मिले तो शायद हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ अगर 10 आदमी भी अगर उस सिनेमा को देखकर अपने रास्ते को अलग कर लिया और उस रास्ते पे चलने का काम किया तो शायद हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो। तो कोशिश हमारी यही है, लिट्टी चोखा एक करेक्टर है और कैसे वो अपने आप को एक समाज से अलग करके और समाज को न्याय तक लेकर जाता है वो आप जब सिनेम्मा देखेंगे तो समझ में आएगा। ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे RTC भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी कंपनी है वो और उन्होंने मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्राइस भी दिया है हमारे लिट्टी चोखा को भी, आस्की को भी, अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस भी दिया उन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, पहले पंजाबी और गुजराती मराठी तमिल इस सब में काम करते थे, हिंदी के काम करते थे, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की फीवर की वजह से और हमारी भोजपुरी की ऑडियंस इतनी जागरूकता रखती है अपने हीरो के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में अगर 5 मिलियन कोई चीज़ें जाती है तो भोजपुरी में वही 50 मिलियन तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस आज भी जिंदा है, बशर्ते हम अच्छी सिनेमा करते हैं। आज मेरा सैयारा मिले रिलीज हुआ और 3 साल बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार तो है खेसारी के प्रति। और लगातार इधर जितना भी 3 साल बाद वो ओपनिंग लिया उसके पहले भी जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई, मेरा लास्ट ओपनिंग था संघर्ष का, उसके बाद नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में मेरा मेहंदी लगा के रखना लगातार ओपनिंग के साथ मैंने जो भी सिनेमा मेरा अभी इधर रिलीज हुआ था कि पलम्बो एक सिनेमा मेरा था दुल्हन हुई जो पिया मन भावे, वो इतनी अच्छी ठंडी में चली। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी के प्रति हमेशा रहा है और जब भी मैं सिनेमा लेकर आया हूँ लोगों ने अपना स्नेह और प्यार भर भर के दिया। हम लिट्टी चोखा का शूटिंग है आपके बड़ी खूबसूरत शहर बांदा में किए हैं जहाँ पे भगवान राम आए भी किया किए थे और चित्रकूट पे जहाँ पूरी रामायण की रचना हुई जो कि हमारे भैया का होम टाउन है। और बड़ी शिद्दत बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं, हम जितना काम किए कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इतना सने कि छोटा छोटा बच्चा पैर छूकर और प्रणाम करता था और इतना प्यार देते थे वो लोग कि क्या बताएं। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बांदा में फिर से हम काम करें और फिर हम जाएंगे काम करना। हम लोग चाहते थे काजल लागवानी भी आएंगे, हम लोग को मिल नहीं पा रहे हैं। काजल जी का शूट है कहीं यूपी में ही, मैं महाराजगंज तो वहाँ से आना जाना थोड़ा सा टॉप है और OTC का वर्क कर रही हैं तो इन लोगों ने संपर्क किया तो कहीं ना कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा और हम कलाकार हैं तो हमें भी ये समझना पड़ता है कि किसी का नुकसान करके हम ठीक है हमने किया है अपना काम तो आज नहीं तो कल लोग तो देखेंगे ही देखेंगे तो वो नहीं तो हम हैं, अगर हम नहीं होते तो वो होती। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं हम सारे के सारे लोग और एक सिनेमा इतनी अच्छी बनी है कि वो भी मजबूर है उनको भी प्रचार करना है तो अपनी बीवी से जहाँ भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में आकर लोगों तक अपनी मैसेज को जरूर पहुँचाए। चलो सर, लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। मैं बहुत गरीब घर का लड़का था, मैं दूध बेचकर अपने जीवन को चलाने वाला काम किया और लिट्टी चोखा मैं 2.5 साल ओखला शहर संजय कॉलोनी में मैं बेचा। और मेरे जीवन में सबसे अगर खूबसूरत कोई खाना है तो हमारी मिट्टी की लिट्टी चोखा ही है।
और मेरे जीवन और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा का योगदान है, क्योंकि उसी को बेच के उसी के पैसे से मैंने कैसेट गाई और वो लगातार कैसेट चलता रहा और आज लोगों के दिल में एक खेसारी एक फूल की तरह खिल गया। तो लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है और लिट्टी चोखा जो हम लोगों ने सिनेमा भी की है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान से लेकर ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान जो आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे मुद्दे उसमें आपको मिलेंगे जहाँ कितना क्योंकि आज की जो भी सिनेमा बन रहे हैं सब कमर्शियल टाइप के बन रहे हैं, लेकिन मैं आज के डेट में जो भी सिनेमा कर रहा हूँ समाज को लेकर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिनेमा से कुछ समाज को सीख ना मिले तो शायद हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ अगर 10 आदमी भी अगर उस सिनेमा को देखकर अपने रास्ते को अलग कर लिया और उस रास्ते पे चलने का काम किया तो शायद हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो जाए। तो कोशिश हमारी यही है लिट्टी चोखा एक करेक्टर है और कैसे वो अपने आप को एक समाज से अलग करके और समाज को न्याय तक लेकर जाता है वो आप जब सिनेम्यूजिक देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी कंपनी है वो और उन्होंने मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्राइस भी दिया है हमारे लिट्टी चोखा को भी, आस्की को भी, अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस भी दिया उन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, पहले पंजाबी और गुजराती मराठी तमिल इस सब में काम करते थे, हिंदी के काम करते थे, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की वीवर की वजह से और हमारी भोजपुरी की ऑडियंस इतनी जागरूकता रखती है अपने हीरो के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में अगर 5 मिलियन कोई चीज़ें जाती है तो भोजपुरी में वही 50 मिलियन तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस आज भी जिंदा है, बशर्ते हम अच्छी सिनेमा करते हैं। आज मेरा सैयारा मिले रिलीज हुआ और 3 साल बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार तो है खेसारी के प्रति और लगातार इधर जितना भी 3 साल बाद वो ओपनिंग लिया उसके पहले भी जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई, मेरा लास्ट ओपनिंग था संघर्ष का, उसके बाद नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में मेरा मेहंदी लगा के रखना लगातार ओपनिंग के साथ, मैंने जो भी सिनेमा मेरा अभी इधर रिलीज हुआ था कि बलमुआ एक सिनेमा मेरा था दुल्हन हुई जो पिया मन भावे वो इतनी अच्छी ठंडी में चली, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी के प्रति हमेशा रहा है और जब भी मैं सिनेमा लेकर आया हूँ लोगों ने अपना स्नेह और प्यार प्रदर्शित किया। फिल्म की शूटिंग कहाँ? हम लिट्टी चोखा का शूटिंग है आपके बड़ी खूबसूरत शहर बांदा में किए हैं, जहाँ पे भगवान राम आए भी किया किए थे और चित्रकूट पे जहाँ पूरी रामायण की रचना हुई जो कि हमारे भैया का होम टाउन है और बड़ी शिद्दत बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं। हम जितना काम किए कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इतना सने कि छोटा छोटा बच्चा पैर छूकर और प्रणाम करता था और इतना प्यार देते थे वो लोग कि क्या बताएं। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बांदा में फिर से हम काम करें और फिर हम जाएंगे काम करने। हम लोग चाहते थे काजल लागवानी भी आएंगे, हम लोग को मिल नहीं पा रहे हैं। काजल जी का शूट है कहीं यूपी में ही, मैं महाराजगंज तो वहाँ से आना जाना थोड़ा सा टॉप है और ओटीसी का वर्क कर रही है तो इन लोगों ने संपर्क किया तो कहीं ना कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा और हम कलाकार हैं तो हमें भी ये समझना पड़ता है कि किसी का नुकसान करके हम ठीक है हमने किया है अपना काम तो आज नहीं तो कल लोग तो देखेंगे ही देखेंगे तो वो नहीं तो हम हैं, अगर हम नहीं होते तो वो होती। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हम सारे के सारे लोग और एक सिनेमा इतनी अच्छी बनी है कि वो भी मजबूर है उनको भी प्रचार करना है तो अपनी विधि से जहाँ भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में आकर लोगों तक अपनी मैसेज को जरूर पहुँचाए। चलो प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।